हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, और जो लोगों की फेवरेट है कैंडल वैक्स रीडिंग उसके लिए। एक्चुअली मैं फुल मून रिचुअल्स में बिजी भी थी और थोड़ा ना एक बिजी माहौल था तो इसके लिए कर नहीं पा रही थी, बट रिक्वेस्ट जैसे कमेंट्स में आ गई तो इसलिए मैं सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड है कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स और कुछ एनर्जीज के लिए, क्योंकि ये रीडिंग्स लिटरली आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी हीलिंग हर चीज़ पे असर करती है। तो कुछ लोगों के लिए जो जिनकी बहुत फेवरेट है तो उनके लिए खास, तो देरी के लिए माफ़ी एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रिचुअल्स कंप्लीटेड है और मन मेरा बिल्कुल शांत है, तो ऐसा टेंशन मत लीजिए कि मैंने घाई घाई में, नहीं नहीं बिल्कुल घाई घाई में नहीं, आई वॉज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि थोड़ा एक बिजी माहौल या बच्चों का शोर वगैरह थोड़ा कम हो जाए उसके लिए मैं जस्ट वेट कर रही थी, इसलिए लेट डाल रही हूँ। तो विद रिलैक्स मोड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कैंडल जलाऊँ तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। मेरे आवाज़ में एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ कहना चाहती है, एक अजीब सा हैवीनेस या हावीनेस है हावी है, एकदम एनर्जी हावी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सबर का बांध ना टूट रहा है, ऐसे वाली फीलिंग है। मतलब कंट्रोल सी मैंने क्या कहा अभी, सबर का बांध टूट रहा है। और जैसे फ्लेम आप देख रहे हो, जिस तरह से फ्लेम इंक्रीज हो रही है और वो जैसे ना दहक रही है, जैसे ना ब्लिंक, ये जो एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है ना, वही चीज़ एग्जैक्टली मुझे फील हो रही है। अजीब सा हार्ट में ना एक ना एक एक्साइटमेंट है, एक एक क्या कह रहे, एक अजीब सी होप है, कुछ तो हो, कुछ तो बात हो, कुछ तो देखने मिले, लेकिन ना आपकी तरफ से ना जैसे कोई इशारे नहीं मिल रहे, कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। हालांकि आप वही हो, बट वो जो एनर्जी पहले वो चाहते थे, वो उनके आसपास थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसका रीज़न तो यही है, इन्होंने ही आपकी एनर्जी है ना जो बहुत ज़्यादा ना दुखी करके रखी थी, दुखी, तो वो एनर्जी की वजह से आप जैसे ना खामोश हो, आप जैसे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे रिएक्ट करें, आप क्या उम्मीद लगा के, मतलब आपकी तो एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा सैड और आपकी एक तकलीफ़ वाली एनर्जी है कि भाई इतना प्यार करके, इतना प्यार करके कोई ऐसा कर सकता है तो फिर आगे क्या। एनर्जी देखिए ना आप कितना हैवी है, बहुत हैवी जाने वाला है फुल मून, बहुत हैवी जाना। अगर आपने फुल मून रिचुअल्स किए नहीं तो ज़रूर कीजिए, जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर कीजिए, छोटी सी सही लेकिन कुछ मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए। ये पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स आना बनता है, यू नो, अगर आप इवन माफ़ी के लिए भी वेट करें ना तभी भी फॉरगिवनेस थेरेपी मैनिफेस्टेशन करिए, क्योंकि इस एनर्जी में ऐसा है कि कम से कम आपको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा, आपके सामने ना क्लैरिटी आएगी। ये पर्सन आपको लिटरली क्लैरिटी देना चाहते हैं। यस, एक अजीब सी खामोशी है जहाँ पे ना इंसान अपने ही अंदर, अभी तक ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एक वैक्स गिरते नजर आया, बस इंसान है ना ये जो है ना फ्लेम जले जा रही है लेकिन वैक्स नहीं गिर रहा है, तो ऐसा है अपने इमोशन से ना बस दहक रहे हैं, इमोशंस हैं, दहक रहे हैं, फीलिंग्स है, सब है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने की ताकत हो या हिम्मत हो या जैसे मौका हो कहीं ना कुछ मिल नहीं रहा है। अंदर ही अंदर जैसे ना कोई घुट रहा हो, एक अजीब सी एनर्जी है कि मुझे जाना है, मुझे कुछ कहना है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान काफ़ी बार फ़ोन उठा चुका है, मैसेज टाइप कर रहा है लेकिन डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, वाली फीलिंग ज़्यादा है।
यहाँ पे ना एनर्जी में मुझे नो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 69% जो बैटरी में दिखती है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है 69% स्पेशली 69 नंबर इंजन नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है. और दूसरा जो इंजन नंबर दिख रहा है वो है 222, अचानक से दिख रहा है, बार बार दिख रहा है. काफ़ी हद तक है ना ये इंसान है ना मिलने की चाहत में है. अभी आप कहेंगे कि ये तो हमेशा सुनते हैं, ये है वो है, ठीक है, लेकिन रीज़न हर एक के अलग अलग है. मिलना तो चाहते हैं, कुछ क्लियर करना है, कुछ मतलब एक तो दो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एक तो चीज़ है ना कि एक कैटेगरी पीपल है जहाँ पे ना एक्सप्रेस करना है अपनी माफ़ी, क्योंकि उनका जो दिल है, मन है, जो भी है ना, उनको खाए जा रहा है, उनको ये बात है ना क्लियर करने पर मजबूर कर रहा है, क्लियर करने पे मजबूर कर रहा है. और दूसरी चीज़ है क्योंकि जैसे सुबह से जैसे निकल के आना कार्ड्स कि जहाँ पे कार्मिक साइकिल एंडिंग्स, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग्स, तो ये जो कर्मा बैगेजेस है अगर आपके रिलेशन में हो या आपके सिचुएशन में हो, ये एंड होना बनता है, ये बनता है. लाइक ना इसमें जैसे डिवाइन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे. मुझे ना सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है, यस सोलमेट कनेक्शन की, कि जहाँ पे ये इंसान है ना ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ खिंचा चला रहा है, आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहा है, आपकी मेमोरीज में खो जाता है. क्यों? अचानक से आपका कहीं नाम सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो कहीं किसी को देख के, किसी की बातों में, किसी की बिहेवियर में, कुछ कपड़ों में, तो कहीं पे कुछ तो ऐसा हो जाता है ना कि अचानक से वो पॉइंट पे ना आपकी याद आ जाती है. और ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है और ये इंसान ना लिटरली परेशान होते जा रहा है उस चीज़ों से, क्योंकि जिस चीज़ से, जिस इमोशन से, जिस इंसान से ये इंसान भाग रहा था ना, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स और न जाने क्यों उनके सामने आ जाते हैं. जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हें कुछ पूरा करना है, कुछ अधूरा छोड़ा था जो पूरा करना है, वाली फीलिंग है. मुझे ऐसा लग रहा ना कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना ऊपर वाले के भरोसे या भगवान भरोसे होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. कि जैसे पहले अगर मानते भी नहीं थे ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऊपर वाले को मानते हैं, मानते तो है, भले किसी को बताते नहीं हो, भले वो मंदिर मस्जिद चर्च में जाते दिखते नहीं हो, बट एक मन ही मन में जो होता है ना कि भाई कुछ तो मिरेकल हो जाए, मुझे इस चीज़ से ना क्लियर होना है, ये वाली एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. और आज के दिन की जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा हावी है. ऑफ कोर्स आपको लगे कि ये तो हर न्यू मून फुल मून के दिन सुनने को मिलता है, लेकिन आज का फुल मून खास है और इसीलिए है. और ख़ास करके जैसे बकरी शनि और ये सब जो असर है ना, ख़ास करके कर्मों के, कर्मिक बंधनों पे, कर्मिक रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है. मुझे ना ऐसा लगा कि ये ना इन्होंने लिटरली, आपने इनको सपने में देखा था, सपने में देखा था और ऐसे देखा था कि ये कहीं दूर बैठे हुए, सामने दिख रहे हैं, दूर बैठे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे सपनों में देखा था लिटरली. या फिर इनको सपने में आपने रोते हुए देखा हुआ है, और जो सपने में आपने देखा है ना वो इनकी हालत हो चुकी थी या होने वाली है, ये बात तय है. मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्या बोलते हैं उसको बद्दुआ दी थी और सक्सेसफुल हुई, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ जिसका कर्म है ना वैसा तो मिलना ही है, लेकिन जो एक होना ही था ना वो हो रहा है. और इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई नीड यू वाली फीलिंग आ रही है, कि जैसे ज़रूरत है आपकी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. उनको आपके पास आके क्या मिलेगा ये उनको सच में नहीं पता, लिटरली नहीं सच में पता क्या मिलेगा, लेकिन मिलना तो है. अचानक से थ्रोट में जैसे जो फील हुआ
तो ऐसा लग रहा है कि ना थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक है ना, वो सिचुएशन खुलेगी, लेकिन वो आपकी वजह से खुलेगी। जो लोग लव वाइब्रेशन सेंड करने में कामयाब हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में कामयाब हो रहे हैं, इवन माफ़ी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं सपोज, तो उनमें वो सक्सेस मिलेगी। इन इंसान की तरफ से मूवमेंट होंगे, कॉल मैसेज भी आएंगे और यही बात करेंगे, लिटरली यही बात। अभी अगर आपको विश्वास नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ये होगा ज़रूर। आप कमेंट्स में ज़रूर पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। मुझे दूसरी पॉजिटिव चीज़ आपके लिए, कुछ लोगों के लिए शायद खुशखबरी हो सकती है कि यहाँ पे मुझे ऐसा ना जो ब्लैक डॉट जैसे निकलते हैं दिखे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिश्ते के ऊपर जो एक नज़र थी, जो एक ब्लैक एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी या फिर एक गलत थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने सिर्फ पर्सन नहीं करी, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये जो थी ना, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। अनजाने से आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन को कंप्लीट करने वाला है फुल मून, इस कदर हावी होने वाला है। या तो ये वो चीज़ का खुलासा करेंगे या चीज़ें उनके सामने खुलेंगी, अनजाने में सही, बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, वो वाली सिचुएशन। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट कि मैनिफेस्टेशन करिए अपने लिए, अपने लिए कि मुझे मेरी एनर्जी क्लियर चाहिए, मुझे मेरी एनर्जी में वापस जाना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। क्योंकि आप जब पॉजिटिव होते हैं ना, तभी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव एनर्जीज को कोई आसपास भटकने नहीं देता, ये बात ज़रूर समझे, कोशिश करिए। मुझे ना सर वो जो कॉल आउट का एक सिंबल होता है ना, वैसे फील हो रहा है जैसे कोई मन में बात कर रहा और वो किसी को फील हो रही है, दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि इनकी जो बिहेवियर में है, दिल और दिमाग में है, ये लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बंदा या बंदी है ना किसी चीज़ से परेशान है, खास करके दिल के मामले से परेशान है, वो दिख रहा है। और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कुछ लोगों के केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना इसी वजह से खुलने वाली है, खुलने वाली है इसी वजह से। मुझे यहाँ पे ना एक यिन एंड यांग मून की एनर्जी, जहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी, लाइक बहुत इमोशनल एनर्जी वगैरह सब फील हो रहा है। यस, फ्लेम देखिए आपने, ये एक सिंबल है कि ये इंसान की इमोशंस ना वो एग्रीवेट हो रही है। मैं जब बात करती हूँ ना इमोशंस की, फीलिंग्स की, तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट हो रही है। यस, मुझे ना इनकी तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा एक सवाल जवाब है ना वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, सवाल जवाब, एक एंकर की एनर्जी है, जहाँ पे ना इंसान है ना रुकना चाहता हो, रुकना चाहता हो, यानी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, कॉल मैसेज ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी आज नहीं तो सर, लेकिन इसलिए रीडिंग से ना एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, एब्जॉर्ब, तो वो चीज़ें ना, वो जो फ्लेम है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट करते हैं, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके साथ होती है, तो वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। यस, कॉल मैसेज आएगा अभी, जस्ट वो एक जो रिंगटन बजे ना, मतलब कि कॉल आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। तो इसी मैनिफेस्टेशंस के साथ मैं ये रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ये कैंडल मैं यहीं पे जला के रखूँगी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन कैंडल है मेरे लिए, कि आपके लिए जैसे ना दुआ मांगी हूँ मैंने वाली फीलिंग है। तो इसमें नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे जो दिख रहा है ना, वो है 3 नंबर 4 नंबर 8 नंबर और 0 की एनर्जी। अभी 0 इसलिए है ना कि मुझे ना फूल की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे एक नई शुरुआत, एक रिस्क लेने की चाहत, मतलब इंसान है ना अपनी अपने लिए जीना चाहता हो, अपने रिस्क तो है,
लेकिन उस रिस्क, वो रिस्क को उठाना चाहता है क्योंकि वो उसे उसमें उसकी खुशी दिखती है, भले वो पता है कि कुछ बहुत सारा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन जो अच्छा हो सकता है ना उसकी तरफ उसका मोमेंट ज़्यादा होता है। एक नई शुरुआत मतलब करके तो देखते हैं, बिगड़ेगा तो क्या ज़्यादा बिगड़ेगा वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। पॉजिटिव है और मुझे खास करके ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में राहत आपको ज़रूर मिलेगी। उनकी तरफ से जो सुनने मिलेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे वर्क होती है, उसके लिए बोल रहा हूँ, ना कि मेरी बढ़ाई करने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ इतना इंटेंशन है कि आपकी हीलिंग हो, आपको भरोसा हो यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपको बेहतर बनाना चाहती है, बस यही है चीज़। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।